Javati, how are you? I hope you're doing all rosy. Welcome to the very session. My name is Nidhi Arora. Come on, quickly just let me know if I'm live, audible and visible altogether. Jaldi se bata denge. And then we'll start today's session. Okay? Chalo, theek hai. I will wait for 10 seconds more and then we'll just start. Okay? Theek hai. Yes, I think we are live now. Okay, theek hai. Perfect. Thumbs up de do yaar sare bacche jaldi jaldi se and then let's just get going. Okay, beta. I again welcome you all to the session. And in case if you happen to dive into our Unacademy Plus subscription, aapko koi bhi course wahan se chahiye ho beta, to do not forget. I said, do not forget to apply my code. Just jo kehta hai yahan pe dekho likha hua hai NIDHI01. And if you apply this code, you will get a flat 10% off. Or aapne kisi bhi academic course ko fund kar sakte hain, badhiya se badhiya discount pa sakte hain, and get just benefited by these offers. Okay, you can also ace your school exams with Unacademy Plus. Right? Chalo. बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पे जो मुझे नई नवेली सी शक्लें दिखाई दे रही है. सो सम मे सीम फ्रेश फेस एंड सम डोंट. सो फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट ऑलरेडी नो, हाय डियर लर्नर्स, माय नेम इज़ निधि अरोरा एंड आई एम योर इंग्लिश एजुकेटर ऑन अन अकेडमी. आई एम अ ग्रेजुएट फ्रॉम हंसराज कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड आई एम ऑल्सो अ पोस्ट ग्रेजुएट इन केमिस्ट्री ऑफकोर्स फ्रॉम जामिया. नाउ आई हैव बीन इन टीचिंग सेक्टर फॉर क्वाइट अ गुड वाइल नाउ. Like 3 years is a good time. That's what I'd like to call it. So in all of these years, I've really tried my hands on the students coming from backgrounds like SSC and NDA. And I've also got a chance to deal with some like mischievous and naughty children like you coming from, who are coming from obviously CBSE and state boards. Okay, so that's about it. If you want to know more about me and myself, we will know in the due course. Okay, now let's just start with our topic. Okay beta, chalo. तो ना हम ना टॉपिक शुरू कर देते हैं बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से. कुछ नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है आज का हमारा टॉपिक. बहुत आराम आराम से पढ़ना है हमें, आराम आराम से तरीके से पढ़ना है. तो टुडेज़ टॉपिक्स नेम इज़ एक्सक्लूसिवली, इसका नाम बहुत ही स्पेशल सा नाम है, जिसका नाम है द एंट एंड द क्रिकेट एंड दिस इज़ द वेरी फर्स्ट पोम ऑफ योर हनी ड्यू बुक. ओके बेटा, तो इसको हमें ना वी मस्ट मेक अ नोट ऑफ दीज थिंग्स कि यहाँ पे द एंट एंड द क्रिकेट जो है बेसिकली इसका मतलब क्या है. मैं आपको इस सब चीज़ के बारे में बताऊँगी, गो थ्रू कराऊँगी अच्छे से. वी विल गेट वेल वर्स्ड विद द टॉपिक. उसके बाद हु हैज़ रिटन दिस वेरी पोम, उसके बाद किसके बारे में, व्हाट्स दिस पोम ऑल अबाउट, और ये जो मुझे पिक्चर्स में दो शक्लें दिखाई दे रही है वो कौन कौन सी शक्लें हैं, किस किस से रिजेंबल करती हैं, वो सब चीज़ के बारे में मैं आपको बताऊँगी. ओके, बट ऑल यू हैव टू डू इज़ जस्ट लाइक दिस सेशन, शेयर दिस सेशन जल्दी से, और ताकि हम लोग जो है आगे की बात फटाफट डिस्कस करते रहें. ठीक है, तो फिर बी गुड बॉयज़ एंड गुड गर्ल्स एंड देन वी बिगिन. ओके, ठीक है, चलो. अब बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है ना, सो उसको हम प्रेजेंट करते हैं बहुत अच्छे से. कोई तड़कता भड़कता इंट्रोडक्शन तो नहीं है उसका, बहुत ही सिंपल सा नाम है द एंट एंड द क्रिकेट. ये आपकी फर्स्ट पोम है हनी ड्यू बुक की, ध्यान रखना. अब यहाँ पे ये जो एंट है ना, इसका क्या मतलब होता है बेसिकली. एक सेकेंड, थोड़ा सा आगे आ गए हम. ओके, यस, ओके, नाउ परफेक्ट. यहाँ पे बेटा एंट का क्या मतलब होता है. एंट होती है चीटी, ठीक है. एक तो होता है ए एन टी एंट, दूसरा होता है ए यू एन टी एंट. एंट होता है और एक एंट होता है. दोनों को ध्यान से देखेंगे हम, डिफरेंस क्या है दोनों में. बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा, बहुत सारे बच्चों को नहीं भी पता होगा, तो हम दोबारा से अपने कॉन्सेप्ट को डबल अप कर लेंगे. ओ एक्सक्यूज मी फॉर द ब्लंडर. ओके, नाउ वी आर गुड टू गो. आई बिलीव दैट वी आर. एंट होता है चीटी, ये वाली चीटी नहीं है, ये इसकी फोटो पे मत जाना, ठीक है. एंट माने चीटी, ओके, चीटिंग वाला चीटी नहीं, चीटी सबने देखी है यार. और एक ए यू एन टी आंट होता है, जो आंटी को हम बोलते हैं ना, आंट, आंटी बोलते हो आप उसे, आंटी जी गेट अप एंड, ठीक है, व्हाटएवर. तो
तो यहाँ पे हम लोग ना आंटी बोलते हैं, जो हमारे कोई भी बड़ी फीमेल कोई भी होते हैं, रिलेटिव्स में भी बोलते हैं ना आंट, कोई आपकी अगर मामी हो मासी हो उनको हम आंट बोल देते हैं, ठीक है। तो ऐसे दैट्स हाउ वेस्टर्न कल्चर सेज, तो ये दैट्स हाउ आर वेस्टर्न कल्चर वर्क्स बेसिकली। तो ये पूरा जो है आंट और एंट के बीच में लड़ाई होगी, लेकिन फिलहाल का जो हमारा टॉपिक है ना, इट्स अबाउट एंट एंड नॉट आंट। तो चींटी के बारे में है ये जो हमारी पोम है, ओके ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई है। नाउ दूसरा जो है मेरे पास में वो है क्रिकेट। अब यहाँ पे क्रिकेट के दो मतलब हैं, यहाँ पे क्रिकेट के दो मतलब है, इसका मतलब ये होमोफोन्स तो नहीं है, लेकिन हाँ ये होमोफोन से रिलेटेड ही कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें प्रोनंसिएशन भी सेम है, वर्ड भी एक ही है, बट मीनिंग्स दो दो हैं उसके। तो यहाँ पे ये बल्लेबाजी वाले क्रिकेट नहीं है, कभी स्पोर्ट्स को लेके ज़्यादा ही सेंटी हो जाओ आप लोग। हियर द वर्ड क्रिकेट मीन्स झिंगुर, ठीक है। आप सभी लोगों ने देखा होगा ये इंसेक्ट्स हैं दोनों के दोनों, तो दोनों ही इंसेक्ट्स की दास्ता है ये। सो हियर द वर्ड क्रिकेट मीन्स इज झिंगुर। रुको बता देते हैं, ठीक है चलो। तो यहां पे देखना बेटा, दो इंसेक्ट्स मुझे दिख रहे हैं ये वाली फोटो में, बताओ विच वन इज विच, आप बताओ इसमें से झिंगुर कौन सा है, चीटी कौन सा है, वो आप लोग बताएंगे। एंड आई विल वेट फॉर योर रिप्लाई एंड देन वील स्टार्ट द टॉपिक। बहुत ही ज़्यादा ऐसे कार्टूनिश वे में मैंने डिपिक्ट करा है, रिप्रेजेंट करा है इसको यहाँ पे, बट डू नॉट गेट कन्फ्यूज। आप देखो इन दोनों में अगर आपने पहचान लिया तो बाय नाउ वी विल बी क्लियर विद द फैक्ट दैट यू आर वेल वर्स्ड विद द अपियरेंस ऑफ एंट एंड क्रिकेट बोथ, ठीक है। तो आपको दोनों से ऐसे वाकिफ हो जाना है, राइट। तो यहाँ पे जो मेरे पास इमेज ए है दैट डिपेक्ट्स अ क्रिकेट, है ना, ए वाली जो इमेज है वो क्रिकेट दिखा रही है, बल्लेबाजी वाला क्रिकेट नहीं है, झिंगुर वाला क्रिकेट है। और बी वाली है देखो ब्लैक सी लग रही है और इसी कलर की होती है यूजुअली, रेड भी होती है वैसे तो, और बी वाली जो है चीटी है, राइट। सो एंट इज डिपेक्टेड इन पिक्चर बी, राइट। चलो अब दोनों कैरेक्टर्स के बारे में बात हो गई, तो यहाँ पे इस पोम में आपको दो ही कैरेक्टर्स दिखेंगे, एक एंट दिखेगा एक क्रिकेट दिखेगा, यानी कि चीटी और क्रिकेट की स्टोरी है। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे एक और वर्ड है, एक मतलब एक फ्रेज और है जिसमें लिखा हुआ है अडेप्टेड बाय एसॉप्स फेबल्स, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, अडेप्टेड बाय एसॉप्स फेबल्स, क्या मतलब है इसका, इसको एक बार नोट डाउन कर लेंगे कहीं पे, खिचक खिचक कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, और उसको मैं सेपरेट में डिस्कस करके बताती हूँ, ठीक है। अडेप्टेड बाय एसॉप्स फेबल्स का क्या मतलब है बेसिकली मैं आपको बताती हूँ, अलाउ मी अ मोमेंट, यस देयर यू गो, हाय। देखो आबरा का डाबरा सब गायब हो चुका है, अब ध्यान से सुन लेना वरना गायब ही रखूंगी मैं पूरे टाइम, ठीक है। चलो यहाँ देख लेते बेटा, लिखा हुआ था अडेप्टेड बाय एसॉप्स फेबल्स। सबसे पहले तो अडेप्ट यानी कि लिया गया है एसॉप के फेबल से, तीनों का मतलब बताऊंगी मैं। एसॉप यहाँ पे है बेटा पोएट, यानी कि ए ई एस ओ पी इज द पोएट्स नेम, एसॉप्स फेबल्स यानी कि ये है हमारे ग्रीक पोएट जिन्होंने द क्रिकेट एंड द एंट लिखा है, ठीक है। तो ये हमारे ग्रीक पोएट हैं, इसका इसको ध्यान में रखेंगे सारे बच्चे, कौन से पोएट हैं, ये ग्रीक पोएट हैं। अब ये जो एसॉप है ना, ग्रीस से क्योंकि ये बिलोंग करते थे, ग्रीक पोएट हैं, अपने टाइम के बहुत ही फेमस स्टोरी टेलर रहे हैं ये, यानी कि ना कि सिर्फ पोएट रहे हैं, कविता को लिखने के साथ साथ ही वॉज ऑल्सो अ स्टोरी टेलर, यानी कि बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से ये कहानियों को सुनाया करते थे। ही वॉज ऑल्सो अ प्ले राइट, यानी कि ड्रामेटिस्ट भी रहे हैं, प्लेज भी लिखा है इन्होंने बहुत, ठीक है। तो प्ले राइट भी बोल सकते हैं हम, यानी कि नाटककार भी रहे हैं। एक सेकेंड, प्ले राइट डब्ल्यू आर आई जी एच टी, है ना, प्ले राइट भी रहे हैं, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने का है बेटा आपको।
इनके बारे में जब आप पढ़ोगे और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अगर आपको हमारे एसॉप जी के बारे में चाहिए जिन्होंने द एंट एंड द क्रिकेट लिखा है, तो आप इस पोम को और उसकी सेंसिटिवनेस से और ज़्यादा बेहतर तरीके से इनके राइटिंग स्टाइल को पहचान सकते हो पर से। ठीक है, तो यहाँ पे ना हमें ये पता चलता है कि जो हमारे ग्रीक पोएट हैं, एक तो बहुत ही फेमस स्टोरी टेलर रहे हैं, प्ले राइट भी रहे हैं, और आप जैसे छोटे छोटे बच्चों के लिए बहुत अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग सी क्यूट क्यूट सी स्टोरीज भी लिखा करते हैं पोम्स के साथ साथ। ओके, तो वन मार्क का क्वेश्चन आता है बेटा यहाँ पे आपके पास में, हु इज द पोएट ऑफ द पोम द एंट एंड द क्रिकेट, आप बताएंगे एसॉप। बस आपको और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पूछी जाएगी, ये बस इनकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिखो पहले, तो 3 seconds का टाइम देती हूँ मैं, फिर मैं रब कर देती हूँ। ठीक है, टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, खलास। चलो इसको हटा देते हैं हम। अब पॉइंट नंबर 2 आया था बेटा हमारे पास में, एक अडैप्टेड बाय एसॉप्स फेबल्स, क्या था? अडैप्टेड बाय एसॉप्स फेबल्स। ठीक है, तो ध्यान से देखना क्या क्या बोलूंगी मैं यहाँ पे। ये लिया गया है एसॉप की फेबल से। पॉइंट 1, अडैप्टेड यानी कि लिया गया है। अडैप्शन का मतलब आपको पता होना चाहिए, कहीं से कोई चीज ली गई है, तो मैं इसका मतलब यहां पे लिख देती हूं, ली गई है। ठीक है, तो अडैप्टेड का मतलब तो आपको समझ में आ गया, एसॉप है हमारे पोएट, एसॉप इज द नेम ऑफ अ पोएट। ठीक है, अब यहां पे आ जाता है वर्ड फेबल्स। व्हाट डज दिस वर्ड फेबल्स मीन? फेबल्स का मतलब बताऊंगी, फेबल का बेसिकली मतलब क्या होता है, ध्यान से देखना। जबी भी ग्रोइंग अप आई ऑलवेज यूज टू हियर स्टोरीज फ्रॉम माई ग्रैंड मादर। सबकी दादी माना कुछ ना कुछ कोई स्टोरी सुनाया करती है उन्हें, है ना, कोई भी, चाहे वो रियल लाइफ से रिलेटेड हो चाहे वो फिक्शनल हो, यानी कि जो कुछ एनिमल्स पे बेस्ड हो, जैसे कि हमने पढ़ी है सभी ने टॉर्टोइज और रैबिट की स्टोरी, जिसका हमें मॉरल लेसन मिला था, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, राइट। हमें थर्स्टी क्रो की भी स्टोरी सुनने में मिली है, सबको पता है ये स्टोरीज बहुत मतलब यूनिवर्सल हमारे उसमें नॉर्म्स में चलती आ रही है। थर्स्टी क्रो से हमें पता चल रहा था बी पेशेंट, और थोड़ा सा अगर बुद्धिमानी दिखाई, थोड़ी सी क्लेवरनेस दिखाई, थोड़ी सी स्मार्टनेस प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाई, तो हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं जो हम चाहते हैं बेसिकली। ठीक है, तो बेसिकली फेबल भी बेटा एक ऐसी टाइप की स्टोरी होती है, एक ऐसी इमेजिनरी स्टोरी है फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़, यानी कि रियल लाइफ से उसका कोई रिलेशन नहीं होता है, है ना। तो और जब हम उस स्टोरी को इमेजिन करते हैं, वो इमेजिनरी स्टोरी, उसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं ना, वो एनिमल्स के थ्रू डिपिक्ट किए जाते हैं, तो यानी कि एनिमल्स उसमें रोल प्ले कर रहे हैं, उसके थ्रू हम एक इमेजिनरी स्टोरी सुनते हैं। प्लस एक और है चेरी ऑन टॉप पॉइंट, इज हमें कुछ ना कुछ मैसेज सीखने को मिलता है, मैसेज मॉरल लेसन मिलते हैं, नैतिक शिक्षा मिलती है डेफिनेटली, तभी उन एनिमल्स को वहाँ पोर्ट्रे किया गया, कुछ ना कुछ उसका हमारी रियल लाइफ में कुछ ना कुछ उसका मोटिव होता है, मोटो होता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे फेबल का मतलब होता है इट्स एन इमेजिनरी स्टोरी, या फिर इमेजिनरी कोई भी पंक्तियाँ हो सकती है, लाइन हो सकती है, एक्सट्रैक्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सो इट्स एन इमेजिनरी स्टोरी लिखेंगे सब। वन मार्क का क्वेश्चन आता है फेबल का मतलब क्या है, तो एसॉप की फेबल से लिया गया है, एसॉप की जितने भी इमेजिनरी स्टोरी है। व्हाट डज दिस वर्ड फेबल्स मीन? एन इमेजिनरी स्टोरी व्हिच व्हिच gives या फिर teaches us या फिर gives us some message, कुछ ना कुछ संदेशा पहुंचाए, कुछ ना कुछ message दे, learning दे through the depiction of animals, किसके through? animals के through, जहाँ पे role play वो करते हैं वो animals हैं। ठीक है, so through the depiction of एनिमल्स। ठीक है बच्चा बाटी, तो ये चीज वी विल डेफिनेटली मेक अ नोट ऑफ इट, क्योंकि यहां से हमारे जो मैंने आपको ब्लैक स्क्रीन पे जितना भी बताया है, दोनों के दोनों बातें हमारी यहीं से बन रही है। डन है, सॉर्टेड है, परफेक्ट है,
चलो जी ठीक है, बैक टू द बेसिक्स चलें। हेलो हाय, ठीक है, वी आर बैक। हमें क्या क्या पता चला बेटा? हमें पता चला कि दिस पोम इज ऑल अबाउट एन एंट एंड अ क्रिकेट। ठीक है, द एंट, दी एंट, यानी कि यही पर्टिकुलर एंट है और यही पर्टिकुलर क्रिकेट है। कहाँ गया मेरा पेन? या ओके, वी आर बैक। तो हमें पता चला कि एंट और क्रिकेट के बारे में ये स्टोरी है अगेन। फिर ये अडाप्ट यानी कि ली गई है एसॉप की जितने भी इमेजिनरी स्टोरीज हैं जो एनिमल्स के थ्रू डिपिक्ट की जाती है और कुछ ना कुछ लेसन प्रोवाइड करती है हमें, वहाँ से लिया गया है। ठीक है, बरोबर छे। चलो लेट्स मूव अहेड। यहाँ पे मुझे फोटो में डोनट भी दिख रहा है, बट लेट्स नॉट गेट अट्रैक्टेड बाय दीज फूड सब्सटेंसेस। इनके थ्रू हमें अट्रैक्ट नहीं होना है। लेट्स नॉट गेट स्टार्व्ड, क्योंकि हम में से एक कैरेक्टर यहाँ पे कोई ना कोई स्टार्व्ड होने वाला है, अभी उसको भूख लगने वाली है। तो लेट्स नॉट अस, मतलब लेट्स नॉट जस्ट गेट स्टार्व्ड, हमें भूख नहीं लगनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या बोला है बेटा, अब देखना, आगे चलते हैं। द एंट एंड द क्रिकेट, इस स्टोरी में आपको पता चलेगा कि इसमें जो कैरेक्टर्स हैं वो दो ही हैं, एक एंट है और एक क्रिकेट है। तो आगे बढ़ने से पहले आई वुड रियली लव टू नो योर थॉट्स ऑन एंट्स एंड क्रिकेट्स। लाइक वॉट डू यू रियली थिंक, आपको कैसी, मतलब आपको पसंद भी है इन दोनों में से कोई इंसेक्ट, या फिर आप इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में क्या जानते हो? ठीक है, सो यहाँ पे एक क्वेश्चन है बेटा, बिफोर यू रीड गिव सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंट एंड क्रिकेट। आपको कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक या फिर कोई ना कोई स्पेसिफिकेशन जो आपने बायोलॉजी में कभी पढ़ी हो, या डिड यू नो वाई ऐसी स्टोरीज में पीछे जो कॉपी के पीछे फैक्ट होते हैं, उसमें कोई साइंटिफिक फैक्ट पढ़ा उनके बारे में, इफ यू नो एनी ऑफ इट जस्ट प्लीज शेयर योर थॉट्स। द फ्लोर इज ओपन, आप थोड़े से अपने आइडियाज शेयर करोगे तो आई वुड लव टू रीड मोर अबाउट इट। तो आपको जितना भी पता है ना आंट्स के बारे में या क्रिकेट्स के बारे में, यू कैन जस्ट लेट अस नो, सब सबको बताओ। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ स्पेसिफिकेशंस मैं आपसे डिस्कस करती हूँ, जस्ट सो यू कुड ऑल्सो लाइक यूज़ योर ब्रेन्स, चार्ज योर ब्रेन्स, एंड देन लेट मी नो सम मोर लाइक फैक्ट्स। तो यहाँ पे बेटा एंट के बारे में ना, मुझे ना एक बात पक्की से पता है कि ना यूजुअली हम इन मोहतरमा को, इन मैडम को हार्डवर्क का सिंबल मानते हैं। क्यों मानते हैं? बहुत सारे ना हमारे हिंदू पुराणों में भी, बहुत सारे माइथोलॉजी में भी, और वैसे भी जब किसी को कोई कोट्स लिखने होते हैं ना, तो हमेशा इसको हम हार्डवर्क का सिंबल मान के चलते हैं। क्योंकि कैसे, द वे शी वॉक्स, द वे ही और शी वॉक्स, जो भी कोई एंट है, एंट वॉक्स अक्रॉस द वॉल, एक वॉल से दूसरी वॉल पे ऐसे लिजर्ड की तरह रेंग के चली जाती है, चाहे वो स्लांटिंग वॉल हो, चाहे वो एकदम वर्टिकली टिप्ड वॉल हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बस अपना काम करती रहती है। एंड द वे एन एंट वॉक्स बेसिकली इन जनरल। ठीक है, अब तो यहाँ पे मुझे इसकी बात ये बहुत ज़्यादा यूनिक लगती है। वेयर एज ऑन द अदर हैंड, ये जो हमारे ये रे क्रिकेट महाराज हैं, इनके इनकी स्पेसिफिकेशन, इनकी खासियत है, जैसे कि ये चलती हैं वैसे ही ये हॉप करते हैं। सो ग्रास हॉपर्स, इंसेक्ट्स लाइक ग्रास हॉपर्स और ये जो है क्रिकेट, दे ऑलवेज हॉप अराउंड। हॉप करना यानी कि कूद कूद के चलते हैं, जस्ट लाइक कैंगरू, कैंगरू की तरह। तो क्रिकेट जो है हमेशा हॉप करते हैं, इनकी हॉपिंग एबिलिटी है बेटा, और इनकी जो है वो वॉकिंग एबिलिटी बहुत तगड़ी है, चलते रहना, कॉन्टिन्यूसली चलते रहना, बिल्कुल ना रुके। अब इनमें कॉमनैलिटी भी डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट आर द थिंग्स दैट आर कॉमन इन बोथ दीज क्रिएटर्स। द थिंग, वो जो उनकी कॉमनैलिटी है ना, वो ये बेटा दैट दे बोथ आर इंसेक्ट्स। ये दोनों इंसेक्ट्स में ही आते हैं, एंट भी इंसेक्ट है और हमारा क्रिकेट भी इंसेक्ट है, तो ये इंसेक्ट्स में आ गए। उसके बाद अनादर थिंग, जैसे कि यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि हाउ मेनी लेग्स डू दीज टू एनिमल्स हैव, आपके अकॉर्डिंग इनके कितने लेग्स होते हैं, राइट? तो एक बार इसकी फोटो पे मत जाना, ये तो कार्टून, इसका हमने क्रिएचर बनाया है, लिया है, बट हम ना यहाँ से ज़रूर सोच सकते हैं, जिन्होंने भी बायोलॉजी में अपनी पढ़ा है, कि जैसे वी ह्यूमंस आर टू लेगेड क्रिएचर्स, अब यहाँ पे जितने भी एनिमल्स होते हैं अपने, वो फोर लेग्स पे चलते हैं, चारों अपने पैरों पे चलते हैं वो।
अब जो इंसेक्ट्स की वेराज जब हम इंसेक्ट्स की बात करें तो दे आर ऑलवेज सिक्स लेगेड, ठीक है, तो चाहे वो एंट हो चाहे वो क्रिकेट हो बोथ आर सिक्स लेगेड, लेकिन यहाँ पे आयरनी आएगी, एक सटायर आएगा क्रिकेट पे जो आपको अभी जल्दी पता चलेगा। तो जहाँ पे मैं आपको सस्पेंस के लिए छोड़ती रहूँ ना, आप उसको याद रखते रहना आगे आगे जैसे आए तो अरे हाँ मैम ने उस पॉइंट पे ये बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं बेटा कि ना ये बोथ एंट्स एंड क्रिकेट्स आर सिक्स लेगेड एज वी ऑलरेडी नो बाय नाउ, अभी तक हमें पता चल गया। इनके जो छः के छः पैर होते हैं ना एंटीना से अलग होते हैं, आगे के वो जो उनके एंटीना होते हैं वो अलग होते हैं, बाकी इनके जो छः पैर होते हैं चारों के चारों उनके वो चलने में मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। वेयर एज हमारे ये जो हमारे क्रिकेट है इनके लेग्स की जब हम बात करें तो इनके चार आगे पैर होते हैं और बाकी दो लेग्स जो हैं इसके पीछे की तरफ होते हैं जो उनको हॉप करने में काम आते हैं, कूदने में काम आते हैं। तो हॉप का मतलब क्या होता है? कूदना। लेट मी लुक फॉर माय पेन। ओ माय गॉड, आपको एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बात बताऊं, अभी अभी मेरे स्क्रीन पे से एक एंट चलकर जा रही है। आई विश आई कुड शो यू एट द मोमेंट बट I wish to let him or her be, जो भी है ये whosoever it be, watch करने दो उसे, ठीक है। चलो जी, अब यहाँ पे बोला है बेटा कि क्रिकेट हॉप करते हैं तो उनके जो ये फ्रंट फोर लेग्स होते हैं वो तो उन्हें वॉक करने में हेल्प करते हैं, whereas जो पीछे के दो लेग्स होते हैं वो उनको हॉप यानी कि कूदने में हेल्प करते हैं, राइट। तो हमें ये पता चल गया दोनों के छः छः पैर हैं, सिक्स लेग्स ईच, बट देन इनका रोल अलग अलग है, इनके जो दो पैर हैं उनका रोल अलग है क्रिकेट के, और इनके लिए छः के छः पैर वॉक करने में काम आते हैं। अनदर और एक्साइटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ डिस्कस करते हैं। सो बाय नाउ ऑल आई नो इज कि जो हमारी ये जो एंट साहिबा हैं ये ना एक चीज़ मैंने इनके बारे में सुनी है, लाइक माई डैड यूज टू टेल मी दैट एंट्स आर द ओनली क्रिएचर्स हु नेवर स्लीप, नॉट इवन इन द डे टाइम नॉट इन द नाइट, यानी कि बिल्कुल सोती ही नहीं है ये, इनकी आँखें आप देखना कॉन्टिन्यूसली दे वुड वॉक अराउंड, दे वुड रोम अराउंड लाइक एनी थिंग, तो अनस्टॉपेबल है ये बिल्कुल, तभी इनको मतलब हाउ एवर दे आर नोन एज ये हार्डवर्क का सिंबल, ठीक है। तो इसलिए ये बात बोली गई इनके बारे में बेटा बिकॉज दे नेवर स्टॉप वॉकिंग, दे नेवर स्टॉप रोमिंग अराउंड, ठीक है। तो इसीलिए हमें पता चला कि दीज आर द ओनली क्रिएचर्स हु नेवर स्लीप एट ऑल, सोती नहीं है बिल्कुल। वेयर एज इसके बारे में, क्रिकेट के बारे में एक कैरेक्टरिस्टिक पता है, मतलब फेस ऑफ चल रहा है इनका, देखना ध्यान से। इनके बारे में मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ पता है कि ना ये ना हमेशा हम करते हैं, आई डोंट नो वॉट द साउंड बेसिकली इज, ऐसे कोई पर्टिकुलर साउंड का इनका नेम नहीं होता, बट हाँ क्योंकि ये झिंगूर हैं तो इनको गाना गाना बहुत पसंद है, सो दे कीप ऑन हमिंग एंड हमिंग एंड हमिंग, ठीक है। अनदर थिंग, अब यहाँ पे एंट जीत जाएगी एज ऑलवेज, इस स्टोरी में भी एंट जीतती है, आपको पता चलेगा कैसे। एंट्स जो है इनके पास एक और एबिलिटी होती है, ऐसा मैंने नोटिस करा है, आई डोंट नो इफ यू ऑल कैन रिलेट और नॉट, बट एंट्स आर स्वीट टूथ, इनको ना मीठा बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। कैसे? आप फ्लोर पे कभी भी कोई मीठा छोड़ के देख लो, ठीक है, चाहे वो जागरी हो चाहे वो शुगर हो चाहे वो इतू सा कोई भी दाना हो मीठे का, जहाँ पे भी हम उसको रख दें इनका आगमन हो जाएगा, मतलब दे विल नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न टू अपलिफ्ट दैट मीठा चीज़, ठीक है। तो ये चीज़ हमने इनके बारे में, मतलब मैंने तो देखी है, बहुत रिलेटेबल, आई एम श्योर आप सभी लोगों ने देखी होगी, स्वीट होता है इनको, मीठा बहुत पसंद है। आई एम जस्ट ओनली वरिड दैट इनको डायबिटीज़ ना हो जाएगा भी, है ना, इसीलिए फिर हम नहीं गिराते हैं मीठा कहीं पर भी, थोड़ी सी हम मैनर्स दिखाते हैं, है ना। सो या दैट्स अबाउट इट, हमने जो है एंट्स और क्रिकेट्स के बारे में बहुत सारी पेक्यूलियरिटीज़ देखी, हमें पता चला कि कैसे कैसे ये लोग एक दूसरे से, ये दोनों क्रिएचर्स एक दूसरे से डिफरेंशिएटेड हैं, लेमैन लैंग्वेज में हमने डिस्कस करा, और कैसे कैसे ये लोग, ये दोनों ही क्रिएचर्स आपस में मिलते जुलते हैं, कॉमनैलिटी क्या क्या है, सिमिलैरिटी क्या है, अनकैनी रिजेंबलेंसेस क्या क्या हैं, इंसेक्ट्स हैं, दैट्स ऑल, ठीक है, सिक्स लेगेड हैं ईच, दैट्स ऑल। चलो जी, जैसे ही हमें ये पता चलता है बेटा, चलो अगर आपसे पूछा जाए इस स्टोरी को एक बार नारेट करके बताओ, मतलब पूरी स्टोरी नहीं, अभी तो आपको पता ही नहीं है पोम, व्हाट इज दिस पोम ऑल अबाउट, है ना,
पर फिर भी आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के आपको बोला जाए कि यार बताओ थोड़ा सा कि ये जो स्टोरी है ये क्या है, तो आप पहली बात तो राइटर के बारे में बताएंगे, इनके ऑथर, इनके पोइट के बारे में, यानी कि इट्स द एंट एंड द क्रिकेट इज रिटन बाय एसॉप, ठीक है? फिर आप बताओगे दिस इज़ अ फेबल स्टोरी, ये एक इमेजिनरी स्टोरी है, जैसे कि आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू फेबल क्या होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस टर्म फेबल, आप मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएंगे ताकि मुझे फटाफट से पता चलता जाए कि आप लोगों ने कितना सुना है, ठीक है? अब दिस पोम इज़ अबाउट टू एनिमल्स, ये दो एनिमल्स की कथा है, दो बैलों की कथा नहीं है, बट हाँ एक एंट है, एक क्रिकेट है. However, it sure does teach us some lesson. कुछ ना कुछ lesson तो हमें ये story, ये poem सिखाती है. तो it sure does teach us some lesson. इसको अच्छे से ध्यान में रखेंगे बेटा, ठीक है? Done है. अब आगे बोला है बेटा, the two animals include a silly cricket and a miserly ant. यहाँ पे देखना बेटा, ये जो दो एनिमल्स हैं इनके लिए अलग अलग इन नाउंस के साथ एक एडजेक्टिव्स लगे हैं साथ में, कि क्रिकेट को बोला है सिली, सिली माने होता है जी बेवकूफ, नालायक, ठीक है? इसको बोल दिया हमने बेवकूफ. और यहाँ पे माइजरली एंट, माइजरली के लिए हमने क्या वर्ड यूज करा है बेटा, चतुर. तो यहाँ पे ना बेवकूफ झिंगुर है और चतुर चींटी है, तो अब से हमारा कोड वर्ड हो जाएगा मेरी सारी जनता के लिए, मेरे सारे बच्चों के लिए, जब भी आंट की बात आए, माइजली आंट की, तो आप बताएंगे कि ये चतुर चींटी है जी, ठीक है? तो चतुर चींटी की बात हो जाएगी, चतुर चींटी बोलना है सबने इसको. तो दिस पोम इज अबाउट टू एनिमल्स, जो हमें एक लेसन सिखाएगी, मॉरल लेसन, मॉरल मैसेज पहुंचाएगी. उसके बाद ये इसमें जो दो एनिमल्स हैं, दो क्रिएटर्स हैं, वो हैं क्रिकेट और एंट, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है? चलो अब अभी भी पोम स्टार्ट नहीं हुई है, यूज योर ब्रेन्स, आपको यहाँ पे अपना दिमाग लगाना है. आपके लिए ये क्वेश्चन है, राउंड है. इसमें क्या होगा बेटा, मैं आपको देखो एक बैकड्रॉप देती हूँ, हुआ ये है, ध्यान से सुनना, एक बहुत ही प्यारी स्टोरी है ये, इस पोम के कॉन्टेक्स्ट में ही है. हुआ क्या कि हमेशा एंट तो चलती रहती है, काम करती रहती है पूरी ज़िंदगी, कभी नहीं रुकती है, ठीक है? दे नेवर स्लीप थ्रू आउट देयर लाइव्स, ठीक है? तो हमें ये चीज़ पता चली. उसके बाद दूसरी तरफ है, ऑन दी अदर साइड देयर इज दिस क्रिकेट, देयर इज दिस झिंगुर, जो ठंड में, जो गर्मियों में इतनी पेट पूजा कर लेता है, पेट हो जाता है, खाता रहता है, गाना गाता रहता है, मस्त मौला घूमता रहता है, ही कीप्स ऑन लर्किंग अराउंड बेसिकली. अब विंटर्स का टाइम आ गया एंड ही इज ऑल स्टार्व्ड, उसको लगी है भूख. अब उसके पास और कोई रास्ता नहीं है, देयर इज नो फूड अवेलेबल, ही गोज अप टू दिस एंट. नाउ यहाँ इस फोटो में मुझे एंट दिख रही है, वेयर इज माय पॉइंटी, लेट मी लुक फॉर माय पॉइंटी, यस ये एंट दिख रही है. सो दिस क्रिकेट गोज अप टू दिस एंट, वो बोलता है यार प्लीज लेंड मी सम फूड एंड शेल्टर, मुझे छत दे दो, बारिश आ रही है, मुझे खाना दे दो, भूख लग रही है बहुत ज़्यादा, मैं मर जाऊँगा, मुझे सर में दर्द हो रहा है, ठीक है? नाउ एंट क्या बोलेगा अकॉर्डिंग टू यू, आपके अकॉर्डिंग आपने सोचना है, माइजली एंट है, चतुर चींटी है, क्या करना चाहिए उसको, क्या करेगा? बाय द एंड ऑफ दिस पोम यू विल बी अक्वेंटेड विद द आंसर टू दिस क्वेश्चन, बट टिल द टाइम यू विल हैव टू यूज योर ब्रेन्स, ठीक है? तो थोड़ा सा ये ब्रेन टीजर है आपके लिए. मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ, ये जो आपको इसका सिंबल दिख रहा है ना, ये जो इसका एक्शन दिख रहा है ना, वो ऐसे ही कुछ करेगा, ठीक है? तो देखते हैं हु ऑल गेट टू द आंसर्स, बाद में पता चल जाएगा, ठीक है? चलो ऑल राइट. आप देखो बेटा, ये आपकी बुक में बिफोर यू रीड है, जिसमें मैंने आपको तीन पॉइंटर्स में बताया था ना, दिस इज अ फेबल स्टोरी बाय एसॉप, मैसेज है, वो सारी चीज़ें अभी यहीं लिखी हुई है, आपको अभी दिख जाएगी वो, ठीक है? तो बी अवेयर विद द टॉपिक एंड सिट टाइट, आपको बिल्कुल कंफर्टेबल होके बैठना है, बिल्कुल भी ऐसे टेंशन नहीं लेनी है, एवरीथिंग इज क्लियर, एवरीथिंग विल बी क्लियर अप टू यू, ठीक है? चलो ठीक है बहुत हो गया है, ठीक है भी या नहीं है, या फिर मतलब ठीक मेरी साइड से है, ये आपको बताते रहना होगा. तो यू हैव टू बी अलर्ट एंड रिस्पॉन्ड टू द क्वेश्चंस आस्क्ड एट द सेम टाइम, ठीक है? फिर से ठीक है, चलो ठीक है, ओके. द एंट एंड द क्रिकेट, यहाँ पे बिफोर यू रीड आप लोगों के लिए बेटा, इसमें बोला गया है अ फेबल इज अ स्टोरी, यानी कि इमेजिनरी स्टोरी है, दो एनिमल्स के बारे में लेसन्स पता चलेंगे कुछ,
often with animals as characters. उसमें characters पात्र डाल देते हैं जानवर that conveys a moral जो हमें एक नैतिक शिक्षा दे. This poem about an ant and a cricket. ये जो poem है ant और cricket के बारे में contains an idea of far-reaching significance. Far-reaching significance को highlight कर लेंगे सारे बच्चे. इसका क्या मतलब होता है? दूर की दूर दृष्टि की महत्वता. ठीक है, far-reaching जो दूर तक पहुंच पाए. So दूर दृष्टि की महत्वता के बारे में है ये poem. This poem is all about. इसका जो idea है ये है far-sightedness, यानी कि दूर की सोचना, दूर की देख लेना, या फिर दूर दृष्टि की द्रव्यता या फिर significance या महत्वता. ठीक है, so which is as true of a four-legged cricket as of a two-legged one. Now here's a satire coming. यहाँ पे आपको पता चलेगा बेटा, ऐसे बोला गया है जैसे कि जो मूर्ख लोग होते हैं, है ना, कि दिमाग मोटा है या फिर नहीं है, एक ही बात है. तो यहाँ पे भी यही बोला गया है, जो हमारा क्रिकेट है वो एनी विच वेज है तो मूर्ख है तो बेवकूफ़ी, चाहे उसके चार पैर हो चाहे दो पैर हो. यानी कि चार पैर चाहे वो उससे चल रहा हो या फिर दो पैर जिससे वो कूद रहा हो, बिल्कुल ही काम के नहीं है. ठीक है, दोनों के दोनों से ही वो डिसेबल्ड हो जाएगा जब उसके खाने पे बात आएगी या जब उसकी आन पे बात आएगी, आन बान शान पे, कि वो अब क्या करे, उसके सर्वाइवल पे बात आएगी. ठीक है, तो यहाँ बोला है बेटा, surely you have seen a cricket that has two legs. Surely तुमने जो है cricket देखा होगा, बल्लेबाजी वाला नहीं, झिंगुर वाला cricket जिसके दो legs होते हैं, यानी कि जो सिर्फ hop ही करता रहता है. आपने देखा होगा मंद बुद्धि वाला cricket जिसके सिर्फ दो ही पैर होते हैं, जिससे वो कूदता रहता है, कूदता रहता है, कूदता रहता है और कुछ नहीं करता है वो. ठीक है, तो यहाँ पे ना बेटा बहुत अच्छी इन्होंने व्यंग्य कसा है, बहुत अच्छे से सटायर डाला है, बहुत अच्छे से सार्कैज़्म से बोला है इन्होंने, सार्कास्टिकली टॉन्ट कसा है कि भैया चाहे क्रिकेट के चार पैर हो चाहे दो पैर हो, काम भैया ने, जो कि है मूर्खता. ठीक है, तो यहाँ पे बोला है बेटा कि क्रिकेट और एंट के बारे में स्टोरी है जो फार रीचिंग सिग्निफिकेंस के आइडिया पर बेस्ड है, निर्धारित है. अब ये जो ट्रू स्टोरी है, यानी कि सत्य कथा है कि चाहे चार लेगेड क्रिकेट हो चाहे दो लेगेड क्रिकेट हो, एक ही बात है. आपने पक्का दो वाले देखे होंगे, जिसको उछलते उछलते देखा होगा, उछलता ज़्यादा है और काम कुछ नहीं करता है ना. चलो ठीक है, तो कौन सा वाला क्रिकेट आपने देखा है जल्दी से मुझे बता दो. ओके, नाउ यहाँ से आपकी स्टोरी, यहाँ से आपकी पोम होती है स्टार्ट. टैन टैन, तो बहुत अच्छे से आपने सुनना है. जहाँ पे भी एक एक वर्ड को हम क्लैरिफाई करते हुए चलेंगे, कहीं पे भी कोई डाउट आता है, जस्ट शूट योर क्वेश्चंस एंड आई विल गेट बैक टू योर डाउट्स. राइट, यहाँ पे प्रेजेंटिंग दिस फर्स्ट लाइन अर्ज किया है, यहाँ पे बोला है अ सिली यंग क्रिकेट, यानी कि एक मूर्ख जवान झिंगुर, अकस्टम टू सिंग, यानी कि बना है नेचर में, जगत में बना है गाना गाने के लिए, हम करता रहता है, बस करता रहता है, वॉट एवर ही और शी डज ही इज अकस्टम टू सिंग ओनली थ्रू द वार्म सनी मंथ्स ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग. थ्रू मतलब किसके साथ, चाहे गर्मी हो तड़कती भड़कती, सनी मंथ्स हो यानी कि गर्मी के महीने हो, ऑफ गे समर यानी कि हैप्पी समर में गाने गाता है, हैंड स्प्रिंग बसंत में भी गाने गाता है. तो यहाँ पे क्या क्या बातें बोली है बेटा, यहाँ पे हमें बताया है सिली यंग क्रिकेट है जो कि बना है, मेड टू सिंग, इज मेड टू सिंग. ओके, थ्रू द वार्म, किस किस से बना है, गर्मी, सनी मंथ्स, गर्मी वाले महीनों से, ऑफ गे समर यानी कि हैप्पी समर, खुशी वाले समर से बना है और बसंत से बना है. तो यानी कि गर्मियों में चाहे वो तिल मिलाती हुई धूप ही क्यों ना हो, हॉट समर डेज ही क्यों ना हो, वो उसके लिए गे समर्स होते हैं, स्प्रिंग होता है, क्योंकि वो गाता रहता है सिर्फ. ठीक है, इज मेड टू सिंग थ्रू आउट द मंथ्स ऑफ समर्स. बिगैन टू कंप्लेन, वो शुरू हुआ कंप्लेन करने में, मतलब शुरू हो गया कंप्लेन करने पे आ गया वो. व्हेन ही फाउंड दैट एट होम, जब उसने पाया कि घर पे His cupboard was empty. उसकी जो अलमीरा है, उसका जो दराज है, उसका जो ड्रॉर है, कबर्ड है, शेल्फ जो है वो खाली है. And winter was come, और ठंड आ गई थी.
उसने पाया कि उसकी जो कबर्ड है वो खाली है और विंटर्स आ गई हैं. अब विंटर इज कमिंग. नाउ दैट विंटर इज कमिंग, व्हाट वुड इवन द क्रिकेट, व्हाट वुड द क्रिकेट डू इवन, अब वो क्या करे बताओ जी. सो कबर्ड यहाँ पे बोला है जी अलमीरा या मेज़ या शेल्फ, कुछ भी हो सकता है. तो उसने देखा कि यार ये तो खाली है, कुछ भी तो नहीं है इसमें, राइट. दोबारा से देखते हैं इसको. एक बुद्धू सा जवान सा क्रिकेट है जो बना हुआ है गाना गाने के लिए, चाहे वो गर्मी हो चाहे तिलमिलाती धूप के महीने हो, गर्मी के महीने हैप्पी समर्स हो या स्प्रिंग हो बसंत हो. अब वो कंप्लेन करना शुरू हुआ जब उसने पाया कि घर पे उसकी कबर्ड खाली है और विंटर आ गई है, कुछ भी नहीं है अब उसके पास में. क्या करे क्या करे क्या करे, देखते हैं. आगे बोला है बेटा, नॉट अ क्रम टू बी फाउंड. चलो एक काम करते हैं, पहले वाले पार्ट पे चलते हैं और इसकी राइमिंग स्कीम देख लेते हैं. पहले तो राइमिंग स्कीम क्या होता है बेसिकली, क्योंकि आपकी पहली पोम है सो यू शुड बी अवेयर ऑफ द राइमिंग स्कीम बेटा. जो भी हमारे जैसे कैट बैट मैट रैट बैट, ये सारे वर्ड्स होते हैं ना बेटा, जो ए ए ए यानी कि एक ही साउंड में एक ही आवाज़ आ रही होती है इनकी एक ही टाइप की, वो सारे हमारे राइमिंग वर्ड्स होते हैं. जैसे कि जिससे हमारी जो हर एक लाइन एंड होती है, जैसे कि देखो बेटा पहली लाइन है सिंग, ओके पहली लाइन है यहाँ पे बेटा सिंग, दूसरी लाइन खत्म हो रही है स्प्रिंग यानी कि इंग इंग आ गया है. तो इसको अगर हम मैं ए मान लूँ, लेट मैथ्स की बात कर लो, लेट दिस इक्वेशन बी ए, और दूसरी इसी से ही आवाज़ आ रही है, राइमिंग वर्ड है तो ये भी ए हो जाएगा. दूसरा आ गया बेटा होम, लास्ट में देखो किससे ख़त्म हो रही है, होम से यानी कि बी जो कि स्प्रिंग से अलग है, और कम अम हो गया ये भी बी हो जाएगा. सो ए ए बी बी, क्या है इसकी राइमिंग स्कीम, ए ए बी बी ए ए बी बी, ठीक है. तो फर्स्ट फोर लाइंस जो थी उनकी राइमिंग स्कीम थी यहाँ पे ए ए बी बी, ओके. तो पहले वाला पार्ट हमारा क्लियर हो गया, इक्वेशन से हमने सॉल्व कर लिया, गणित में जैसे करते हैं. स्ट्रेट लाइन इक्वेशन नहीं थी ये, एंट और क्रिकेट की इक्वेशन थी बेसिकली. नाउ व्हाट हैपेंस इज बेटा, नॉट अ क्रम टू बी फाउंड, वो बोलता है यार एक क्रम नहीं मिला. क्रम क्या है, ब्रेड क्रम नहीं मिला एक भी. ब्रेड ब्रेड क्रम क्या होता है बेटा, अभी आपको नेक्स्ट फोटो में पता चलेगा. ये है बेटा ब्रेड का टुकड़ा, ये देखो नॉट अ ब्रेड क्रम टू बी फाउंड यानी कि एक भी ब्रेड का टुकड़ा तक नहीं मिला. ये देखो ये सारे ब्रेड का टुकड़ा है. परेशान हो गया कि यार इतना ढूंढा, विंटर्स आ गई है, एक कबर्ड में मतलब पूरा सब कुछ खाली है, ब्रेड क्रम का टुकड़ा तक नहीं मिला. नाउ अब क्या होता है, ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, पूरे ग्राउंड में हर जगह बर्फ ही बर्फ ढकी हुई है. देखो जैसे यहाँ पे पूरा स्नो का मेरा थीम है ना पीछे, तो वैसे ही ढका हुआ है पूरा. नॉट अ फ्लावर कुड ही सी, एक फूल तक नहीं मिला यार उसे. उसे किसको, क्रिकेट को. नॉट अ लीफ ऑन अ ट्री, ना ही एक पत्ता मिला पेड़ पे. इतनी बुरी हालत आ गई है. ओह व्हाट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी, यानी कि अब मेरा क्या होगा कालिया. ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली उसने बोला है कि ना तो एक ब्रेड का टुकड़ा मिला, सब जगह ग्राउंड पे स्नो से कवर्ड है, ठंड इतनी है, बर्फ पड़ गई है, कोई एक फूल तक नहीं दिख रहा है, दिखाई दे रहा है, और ना ही कोई पेड़ पे पत्ता. अब मेरा क्या होगा. ठीक है, ही इज ऑल कन्फ्यूज्ड, ही इज ऑल मडल्ड, कि अब जो है बहुत ज़्यादा डर लगने लग गया है, कहीं मैं मर तो नहीं जाऊँगा. एट लास्ट अब क्या करता है वो, थक हार के सारे दूरियां मिटा के सारे डिफरेंसेस मिटा के फटाफट से पहुंच जाता है एंट के पास. सो एट लास्ट बाय स्टार्वेशन, भूख लगते हुए, मतलब इतनी ज़्यादा पेट में चिरमिराहट हो गई थी, इतनी ज़्यादा स्टार्वेशन हो गई थी. स्टार्वेशन क्या होता है बेटा, भूख. एंड फैमाइन मेड बोल्ड, फैमाइन क्या होता है, भूकाल सर पे चढ़ गया, मेड बोल्ड यानी कि बढ़ चढ़ कर उठ गया. ऑल ड्रिपिंग विद वेट, सब कुछ बह रहा है गीले गीले होके. एंड ऑल ट्रेम्बलिंग विद कोल्ड, और सब कांप रहा है ठंड से, यानी कि स्नो की तरह पिघल रहा है, सब कुछ ड्रिप कर रहा है गीला गीला होके, और सब ठंड की तरह कांप रहा है. अवे ही सेट ऑफ टू अ माइजली आंट, दूर से वो गया माइजली आंट के पास, टू सी इफ टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट, ये देखने के लिए कि उसे जिंदा रखने के लिए
काश वो कुछ ग्रांट कर दे, कुछ दे दे, कुछ प्रोवाइड करा दे. ठीक है, पहले तो लास्ट वाले की राइमिंग स्कीम एक बार देख लेते हैं बेटा. यहाँ पे बोला गया है हमें, नॉट अ क्रम टू बी फाउंड. क्या दिख रहा है मुझे यहाँ पे? फाउंड, फाउंड. ओके एक सेकेंड, फाउंड है और ग्राउंड है. पेन टेस्टिंग थी, दिल पे मत लेना इतना, अभी वील ड्रॉप इट ऑफ, है ना? ओके, फाउंड है और ग्राउंड है. सो ए है और ए है, फिर आ जाता है सी है और ट्री है, तो ई ई आ गया, बी बी और मी भी आ गया. सो बी बी बी, सो पहले वाला जो था ना वो ए बी बी था और यहाँ पे ए बी बी बी. ठीक है, तो ए स्क्वायर बी क्यूब मत कर देना यहाँ पे, मैथ्स की तरह बस इतना ही डिफरेंस है लिटरेचर और हमारी मैथ्स में. यहाँ पे ए ए बी 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 कर देंगे हम. सो राइमिंग स्कीम ऑफ सेकेंड पैराग्राफ वुड बी ए ए ट्रिपल बी. ठीक है, चलो जी आगे चलते हैं. अब यहाँ पे बोला आखिर में स्टार्वेशन की वजह से, यानी कि भूख की वजह से और भूखमरी की वजह से, भूकाल की वजह से. फैमाइन क्या होता है बेटा? भूखमरी, इससे लोग मर जाते हैं. इट्स अ डिजीज़ जो कि पूरे एक लार्ज एरिया में स्प्रेड आउट हो जाए. तो भूखमरी सर पे चढ़ के ऊंची हो गई, बोल्ड यानी कि ऊंची हो गई, आगे बढ़ गई. ऑल ड्रिपिंग विद वेट, सब कुछ भीग रहा है. ड्रिप करना यानी कि भीग जाना गीले पने से. एंड ऑल ट्रेम्बलिंग विद कोल्ड, कांप रहा है सब ठंड के मारे, यानी कि कप कपी छूट गई है बहुत ज़्यादा. अवे ही सेट ऑफ टू एन टू अ माइजली आंट, वो चला गया चतुर 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 चतुर, लिख के बताओ किसके पास गया? थ्री इडियट्स वाला चतुर नहीं है बस ये. ओके, पेन टेस्टिंग, लेट मी जस्ट अगेन रब इट ऑफ. हाँ, सेट ऑफ यानी कि ही वेंट, गया, भाग के गया वो माइजली आंट के पास. टू सी, ये देखने के लिए. इफ, टू कीप हिम अलाइव, उसको जिंदा रखने के लिए. यहाँ पे हिम क्या है बेटा? क्रिकेट के लिए आया है, क्रिकेट को जिंदा रखने के लिए. ही वुड ग्रांट, कौन ग्रांट करेगा, कौन देगा? एंट वुड ग्रांट यानी कि देगा. ग्रांट कब वर्ड यूज करते हैं बेटा हम? इफ एनीबडी वॉन्ट्स टू ग्रांट, मतलब वो परमिशन लेता है कि यार ग्रांट मी अ लीव, जब हम प्रिंसिपल को लेटर लिखते हैं, या फिर ग्रांट मी दिस इक्विपमेंट, कुछ भी. मुझे जो है किसी से अगर कोई परमिशन आज्ञा की ज़रूरत है तो वो देने के लिए हम परमिशन मांगते हैं. ठीक है, तो इफ़ ही वुड ग्रांट यानी कि इफ़ दी आंट वुड ग्रांट, क्या देगा इसको? अब देखते हैं क्या देगा. ये देखो अभी शॉक्ड है वो, चला गया प्रे करने की, यार प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो, मेरा बहुत बुरा हाल है. क्या करेगा ये? भीख मांगेगा, पैर पड़ जाएगा. तो अब ये बोलता है, देखना ध्यान से, दिस पैराग्राफ इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन राइमिंग स्कीम देख ले एक बार पहले वाले की. अब मुझे याद आ गया, जस्ट अ सेकेंड बेटा. हाँ, यहाँ पे बोला है मेड बोल्ड कोल्ड, बोल्ड एंड कोल्ड को ए मान लो, फिर आ जाएगा एंट एंड ग्रैंड, इसको बी बी मान लो. ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपकी सिंग और स्प्रिंग जैसी ही साउंड आए. स्टार्टिंग के आप पहली लाइन का आखिरी वर्ड देखो, जैसे भी राइम बना रहे हो उसको ए मान लो, उस इक्वेशन को. फिर दूसरे पे जाओ अगर उसी के जैसा है तो उसको ए मान लो, तीसरा भी उसके जैसा है तो भी ए मान लो, चौथा अगर अलग है तो उसको बी से शुरू कर दो, पांचवा भी अलग है तो उसको सी दे दो. ठीक है, तो ऐसे कर सकते हैं. तो फर्स्ट पैराग्राफ ए बी बी, सेकेंड पैराग्राफ ए बी बी बी, थर्ड पैराग्राफ ए बी बी. ठीक है, अब ना व्हाट हैपेंस, ही वुड ग्रांट, क्या देगा उसे? हिम शेल्टर. हिम कौन है अब यहाँ पे? अगेन क्रिकेट है. तो क्रिकेट वुड ग्रांट, नहीं, क्रिकेट वॉज होपिंग दैट एंट वुड ग्रांट क्रिकेट शेल्टर, छत देगा बारिश से बचने के लिए फ्रॉम रेन, एंड अ माउथ फुल ऑफ ग्रेन, और मुंह भर के अनाज देगा खाना खाने के लिए. माउथ फुल तो नाम से ही पता चल रहा है, मुंह भर के ग्रेन यानी कि अनाज देगा बेसिकली. तो इस बात से उसको कंप्लेन थी. He wished only to borrow. वो चाह रहा था कि मैं बस उधार पे ले लूँ जो भी मुझे चाहिए. Borrow यानी कि उधार पे दे दो भाई तुम मुझे.
कि रीपे टुमारो, मैं कल लौटा दूंगा. रीपे यानी कि लौटा दूंगा कल की कल में. ठीक है, टुमारो कल में. इफ नॉट, अगर ऐसा नहीं हुआ, ही मस्ट डाई ऑफ स्टार्वेशन एंड सॉरो. वो मर ही जाना चाहिए था ना, फिर तो मर जाता वो स्टार्वेशन से, भूख से और सॉरो से, दुख से, कि सर में दर्द हो जाता है यार, भूख इतनी ज्यादा लग रही है. तो यहाँ पे क्या क्या बोला है बेटा, क्रिकेट को ऐसी कामना थी कि आंट उसको छत देगा बारिश से बचने के लिए, अनाज देगा मुंह भरने के लिए. फिर उसने बोला मुझे उधार पे दे दो, बस मैं चौका दूंगा, लौटा दूंगा कल के कल में. अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं मर जाऊंगा भूख से और दुख से. तो क्या करूंगा मैं, प्लीज मेरी हेल्प करो यार, थोड़ा तो सोचो यार. तो ही वॉज लिटरली बेगिंग, कि वो बेग कर रहा था यार, कुछ तो मेरी हेल्प मिल जाए, कुछ तो मदद हो जाए, बस ये चाहिए था उसे. नाउ वॉट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ दिस पैराग्राफ, जल्दी से मुझे बताएंगे कॉमेंट सेक्शन में. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. यू हैव 5 seconds. A three, two, one, go. Okay, tick tick one again. Tick tick two. देख लो मेरी वॉच थोड़ी सी स्लो काम कर रही है आपके अकॉर्डिंग. टिक टिक थ्री, टिक टिक फोर एंड टिक टिक फाइव, टाइम्स अप. तो यहाँ पे क्या क्या बहुत सारी चीज़ें बोली हैं इन्होंने. रेन और ग्रीन को ए मान लेते हैं. पे अटेंशन एवरीबडी हियर, ए ए. फिर आ जाएगा टुमारो एंड सॉरो, बी बी. ए ए बी बी हो जाएगा. ओके, तो ओकी डोकी हो गया है हमारा, ये डन है. परफेक्ट, चलते हैं अब आगे. तो ही इज ऑल शॉक्ड अब, क्योंकि अब उसने रिक्वेस्ट करी थी, भीख मांगी थी ना. व्हाट वुड द एंट से, व्हाट वुड एन एंट डू इन दिस सिचुएशन, इन सिचुएशंस लाइक सच. आपके लिए यही तो क्वेश्चन था अब जो है, क्योंकि बाय द एंड ऑफ दिस लेसन खुलासा तो होना ही है बाय द एंड ऑफ द पोम. तो आपको पता चलेगा बेटा यहाँ पे, सेज द एंट, एंट कहता है कि, सेज द एंट टू द क्रिकेट, क्रिकेट को कहता है एंट, आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड, मैं तुम्हारा नौकर भी हूँ और तुम्हारा दोस्त भी हूँ, प्रिय मित्र. चतुर चीटी है ये, देखना क्या बोलेगा. बट वी एंट्स नेवर बोरो, लेकिन हम चीटियाँ कभी उधार नहीं करते हैं, हमारे बीच में कभी हुआ ही नहीं उधार, हम कैरी नहीं करते, हम सब्ट्रैक्शन करते ही नहीं है. ठीक है, हम कभी बोरो नहीं करते. वी एंट्स नेवर लेंड, हम कभी उधार पे देते लेते हैं ही नहीं, हमारा उधारी चलता ही नहीं है. ठीक है, बट टेल मी, लेकिन मुझे बताओ डियर क्रिकेट, प्यारे क्रिकेट, डिड यू ले नथिंग बाय वेन दी वेदर वॉज वॉर्म, तुमने कुछ नहीं बचा के रखा जब गर्मी थी, कुछ भी नहीं बचा के रखा. कोथ द क्रिकेट, नॉट आई. कोथ मतलब क्रिकेट ने कोट, क्रिकेट को कोट कर रहा था वो, नॉट आई मतलब कि मुझे नहीं, क्रिकेट के लिए बोल रहा है कि तुम्हें तो कोसना चाहिए क्रिकेट, मुझे नहीं, कि तुमने कुछ भी नहीं बचा के रखा, ये तो बता दो कि जो तुम ऐसे भीख मांगने के लिए आए हो, तुमने कुछ तो बचाया होगा. तो ये बोलता है, सेज द एंट टू द क्रिकेट, एंट बोलता है क्रिकेट को कि मैं तुम्हारा नौकर भी हूँ, तुम्हारा दोस्त भी हूँ. पे अटेंशन हियर, तो यहाँ पे उसने बोला सर्वेंट, सर्वेंट मने नौकर, तो मैं तुम्हारा नौकर भी हूँ, फ्रेंड भी हूँ. बट वी एंट्स नेवर बोरो, हम एंट्स कभी भी बोरो नहीं करते, हम उधारी करते ही नहीं है, हमारे यहाँ नहीं चलता भाई, ऐसे बनिया नहीं हम. एंड वी एंट्स नेवर लेंड ऑल्सो, हम कभी किसी को ऐसे लेन देन में बिलीव करते ही नहीं है, किसी को उधारी पे देते ही नहीं है. बोरो और लेंड, वन एंड द सेम थिंग, दोनों सिनोनिम्स हैं बस ये. ठीक है, बट टेल मी, लेकिन एक बात बताओ डियर क्रिकेट, प्यारे क्रिकेट, डिड यू ले नथिंग, ले मतलब रखा, तुमने कुछ भी नहीं रखा है क्या. वेन द वेदर वॉज वॉर्म, जब गर्मी थी, गर्माहट थी. कोथ द क्रिकेट, यानी कि यहाँ पे क्रिकेट को कहा गया है, नॉट आई यानी कि नहीं किया यार मैंने, कहा क्रिकेट ने, नॉट आई यानी कि नहीं किया मैंने. सो कोटेड द क्रिकेट, यहाँ पे कोट किया है यानी कि कहा क्रिकेट ने, नॉट आई नहीं किया मैंने, सबने किया होगा लेकिन मैंने नहीं किया. राइट, तो वो अपने लिए बता रहा है. नाउ माइंड द राइमिंग स्कीम हियर, यहाँ पे बोला है फ्रेंड पहली बात, फिर लैंड, ए ए हो गया फ्रेंड और लैंड, फिर आ गया बाय और आई यानी कि बी बी. सो ए ए बी बी चल गया यहाँ पे भी.
सिर्फ सेकेंड पैराग्राम में ए बी 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 आया, बाकी सब में ए बी बी आया अभी तक, ठीक है। तो उसने उसको एक मॉरल लेसन दिया कि तुमने कुछ भी सेव नहीं किया, कहता यार किया तो नहीं है, ठीक है। तो अब क्या होगा देखो जी, तो यहाँ पे देखो ऐसे चल रहा है, वो यहाँ पे आके बोलता है यार हमारे में ऐसे ग्रेन वगैरह अनाज देना तो चलता ही नहीं है। तो कहता है पहले जब वो गर्मी चल रही थी तब वो गाय जा रहा था, मैं खुद खा लूंगा मुझे नहीं चाहिए। अब बोलता है यार मैंने तो किया ही नहीं ऐसा कुछ सेव, ये तो हमेशा ही मेहनत करते रहते हैं, एंट्स तो देखो कभी नहीं रुकते, हमेशा अपना बोझा हर फोटो में ही अपना बोझा उठा के ले जा रहे हैं और ये अपना गाना गाए जा रहा है। तो अब क्या होगा बेसिकली देखेंगे ध्यान से, मैंने तो नहीं किया तो ऐसा वो एक्सेप्ट कर रहा है, एडमिट कर रहा है। माय हार्ट वॉज सो लाइट दैट आई सांग डे एंड नाइट। क्रिकेट बोलता है मेरा दिल इतना हल्का था कि मैंने दिन और रात सिर्फ गाना ही गाया है, जैसे आपने अभी इस फोटो में देखा था। फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे, नेचर गर्मियों में इतना सुंदर लग रहा था, इतना हैप्पी लग रहा था। यू सैंग सर यू से, यहाँ पे अब एंट बोलेगा तुम गाते हो सर, तुमने कहा ना तुम गाते हो। गो देन, एंट बोलता है गो देन जाओ फिर, सेज द एंट एंड डांस द विंटर अवे। और जैसे तुम गाना गाने में तुमने अपनी पूरी लाइफ बिता दी, पूरी समर्स बिता दी, तो विंटर्स को डांस करते हुए बिता दो और ऐसे ही हटा दो, खाने की क्यों परवाह करना। तो मतलब उसने उसको लात मार के भगा दिया। ही एंट ही माने कि द एंट जस्ट किक द क्रिकेट आउट ऑफ हिज प्लेस, अपने उससे गैंग से उसने उसको धक्के मार के बाहर निकाला कि जाओ फिर, क्योंकि तुमने अपने फ्यूचर की परवाह तब नहीं करी तो अब तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, दिस इज योर पनिशमेंट, ठीक है। तो जब यहाँ से यहाँ तक क्रिकेट कह रहा था कि मेरा दिल है काफ़ी मुलायम, काफ़ी नर्म, काफ़ी पिघला हुआ, काफ़ी सटल सा है, सारे नेचर इतना हैप्पी लग रहा था तो मैंने गाना गाते हुए बिता दिया। तो एंड बोलता है तुम गाते हो ना सर, यहाँ पे देखना बेटा, यहाँ पे किसी के क्रिएटिविटी को पॉइंट आउट नहीं किया है कि तुम गाते हो, गाने नाचने में टाइम वेस्ट करते हो, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा है। वो भी चीज़ें ज़रूरी है, लेकिन क्योंकि तुमने सिर्फ इसी में ही व्यर्थ कर दिया और खाना जो है तुम्हारा मेन ऑब्जेक्टिव थोड़ी था, यानी कि सर्वाइवल तुम्हारे मेन ऑब्जेक्टिव कभी था ही नहीं, तो फिर जाओ फिर डांस करते हुए पूरी विंटर्स भी बता दो, जैसे गाना गाते हुए पूरी समर्स बिता दी। तो ये उसके लिए लेसन था कि जाओ तुम्हें यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि तुमने तब बहुत मज़े करे। उसने खुद बताया कि नेचर इतना सुंदर लग रहा था, मैं पूरे टाइम गाता रहा। तो उसने बोला तुम गाते हो ना जाओ फिर, एंट ने कहा, और डांस करके हटा दो विंटर को भी दूर, यानी कि अब खाओ ही मत तुम कुछ, देखते हैं कब तक रहोगे। तो माइजली एंट यानी कि चतुर चींटी ने बहुत ही करारा जवाब दिया था और एक लेसन दिया था हमारे बुद्धू से क्रिकेट को, राइट। तो दैट इज हाउ दिस लेसन केम टू एन एंड, यहाँ पे इस लेसन का, इस पोम का होता है अंतिम संस्कार। बट बिफोर दैट हम एक बार राइमिंग स्कीम चेक कर लेते हैं। लाइट और नाइट, ए गे एंड से एंड अवे, बी 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 ट्रिपल बी आ गया फिर से, है ना, सेकेंड पैराग्राफ की तरह। ये B B B, so A A B B B is the rhyming scheme of this paragraph. तो यहाँ पे आपको कुछ पैराग्राफ में आपको A A B B दिखा है और कुछ पैराग्राफ में आपको A A B B B दिखी है rhyming scheme. But anywho, this poem came to an end. इसका अंतिम संस्कार हो गया है and we are so excited, we are so happy to see. ये देखो इसने बोला कि भैया ये जो तुम मेहनत कर रहे हो, ये तब तो इसका मजाक उड़ा रहा था कि तू क्यों मेहनत करता है। उसने भी उसको जैसे मैंने आपको फोटो में दिखाया था ना, धक्के मार के बाहर निकाल दिया कि जा अब भाई डांस कर, तू तेरी कोई जगह नहीं है अब इधर इस सर्वाइवल के पॉइंट में, इस लाइफ में, ठीक है। चलो अब एक ये हमारा क्लोजर पैराग्राफ है, तो पिक्चर अभी बाकी है। जिन भी बच्चों को लगा कि मूवी खत्म हो गई है, देन यू आर हाईली मिस्टेकन। यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। एंडिंग ये कहती है, यानी कि एंडिंग हमें कुछ ना कुछ मैसेज देगी। दस एंडिंग यानी कि खत्म हो रही है एंडिंग। ही हैस्टली लिफ्टेड द विकेट, यानी कि उसने विकेट गिरा दिया, हैस्टली क्रिकेट ने गिराया विकेट, यानी कि वो आउट हो गया था। तो हैस्टली यानी कि बहुत फटाफट से उसने लिफ्ट करा विकेट को। एंड आउट ऑफ द डोर टर्न द पुअर लिटिल क्रिकेट, और धक्के मार के भगाया गरीब से, छोटे से, नालायक से क्रिकेट को। फोक्स कॉल दिस अ फेबल, कह रहे हैं कि लोग तो इसे बोलते हैं इमेजिनरी स्टोरी, फेबल बोलते हैं कि ये तो सब काल्पनिक है, ये तो है ही नहीं इसका रियल लाइफ से कोई रिलेशन।
I'll warrant it true. लेकिन हमारे एसोप जी कहते हैं कि मैं सत्य वचन से कह देता हूँ ये सच है, शत प्रतिशत सच है, हम सब ने ऐसा किया है. चाहे आपने अपने अपने घर पे देखा होगा यार, हमारे पेरेंट्स जो हैं, सबके पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स जो हैं बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी ना किसी चीज़ में आप लोगों के लिए. अभी दिल जस्ट लिमिट देयर पॉकेट्स, और ताकि जस्ट सो दे कुड इन्वेस्ट योर लाइफ, दे कुड सी योर लाइफ इन अ हैप्पी प्लेस, तो वो आप लोगों के लिए सारी चीज़ों को करते हैं, तो कैश क्रंच लेकर आते हैं. तो किसी ना किसी तरीके से उनकी इन्वेस्टमेंट चल रही होती है. सेम गोज़ फॉर पीपल लाइक योर एज. कुछ लोग किसी चीज़ में, पढ़ाई में, अपनी रेगुलर स्टडीज़ को बरकरार रखते हैं, मेंटेन करके रखते हैं, और जब एग्ज़ाम का भूत सर पे सवार होता है, व्हेन एग्ज़ाम्स आर नियर द कॉर्नर, अराउंड द कॉर्नर, देन दे आर नॉट लाइक दे आर नॉट एज मच केयरलेस एंड एज मच रेकलेस एज some people are while they are not studying during their regular classes. तो जो लोग बच्चे regular classes में नहीं पढ़ रहे होते हैं, they get really nervous at the 11th hour. They get really, you know, adrenal rush उनका जाग जाता है, फिर panic कर जाते हैं कि अब क्या होगा, कुछ भी नहीं आता, रट्टा मार चल रहा है. तो वो सारी चीज़ें तभी आती है जब हम रेगुलर, हम टाइम टू टाइम अपने ब्रेन को, ब्रेन की एक्सरसाइज नहीं करवाते हैं, और हम अपने अंदर जो है कॉन्सेप्ट्स को क्लियर नहीं करते हैं, राइट. सो दैट इज़ हाउ दीज थिंग्स प्रिवेल. तो हमारे ऑथर साहब भी तभी बोलते हैं, हमारे पोइट साहब, कि आई वॉरेंट, मैं शत प्रतिशत कह सकता हूँ कि ये सच है, सबके साथ हुआ है. कोई लास्ट मोमेंट पे जागता है, काम करता है, तो वो ऐसे ही हो जाता है, फिर उसको कहीं से हेल्प नहीं मिलती है. अगर आप क्लास के टॉपर के पास फिर चले जाओगे ना, यार मुझे नोट्स दे दे यार प्यारे से, तेरे से, तेरे जो अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर नोट्स हैं, मुझे ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा दे, देन नोबडी इज़ गोइंग टू हेल्प यू आउट, बिकॉज दे आर ऑल्सो बिजी इन देयर लाइव्स, रिस्पेक्टिव लाइव्स, है ना. सम क्रिकेट्स हैव फोर लेग्स, कुछ क्रिकेट के फोर लेग्स होते हैं, एंड सम हैव टू. तो यहाँ पे क्या बोला बेटा, चाहे क्रिकेट के चार लेग हो, लेग्स हों जो उसको चलने में काम करे, चाहे सिर्फ दो हो जो उसको हॉप करने में, मूर्ख तो वो मूर्ख ही रहेगा. तो यानी कि चाहे आपका मोटा दिमाग हो, चाहे आपका कम दिमाग हो, अगर आपके पास, आप रेगुलर काम नहीं करते हो, ब्रेन की एक्सरसाइज नहीं करते हो, देन इट्स ऑफ नो यूज एट ऑल. यू ऑल आर इन द सेम बोट, ठीक है, यू ऑल आर सेलिंग इन द सेम बोट. तो इसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा खास, बेवकूफ़ बेवकूफ़ ही रहेगा. वंस बेवकूफ़ ऑलवेज अ बेवकूफ़, यानी कि यू नो द रेस्ट, आप समझ गए हो कि वॉट दिस चैप्टर वॉन्ट्स अस टू अंडरस्टैंड, ठीक है. तो आप इसके डीप कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो आपको समझ आएगा कि लास्ट के पैराग्राफ में इन्होंने मैसेज दिया है, तो ये पैराग्राफ डेडिकेटेड है मैसेज को. ओके बच्चा, तो मैसेज के लिए डेडिकेटेड है ये. एंडिंग में देखना बेटा, विकेट को लिफ्ट करा उसने, ठीक है. तो यहाँ पे वो विकेट गिराने वाले विकेट को बोला है ए ए, क्योंकि क्रिकेट से बनाना था. फिर उसके बाद आई विल वॉरंट इट्स ट्रू, फोक यानी कि लोग कहते हैं, भगवान होते नहीं, ठीक है, ऐसे ही लोग कहते हैं कि ऐसी स्टोरी सच होती नहीं, ये तो सब फेक है. एंट और क्रिकेट में ऐसी कहानियाँ कभी हो ही नहीं सकती, तुम क्या जानवर हो जो तुमने इनकी दिल की बातें पता लगा ली, है ना. लोग कहते हैं ये फेक है, ये इमेजिनरी है. आई वॉरेंट, मैं प्रूव कर सकता हूँ कि ये सब सच है. अरेस्ट वॉरेंट निकलता है ना, तो वो सबूत निकलता है कि सब सच है. कुछ लेग्स के चार पैर होते हैं, कुछ के दो होते हैं. तो यहाँ पे इन्होंने व्यंग्य कसा है लास्ट की लाइन में, लेकिन सब कुछ सब फेक है, ठीक है. तो ए ए और ट्रू और टू बी बी, तो दोनों राइमिंग स्कीम आ गई. तो ऑल इन ऑल दिस पोम हैड सिक्स पैराग्राफ्स, जिसमें ए ए बी बी भी चल रहा था और ए ए ए नहीं ए ए बी 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 भी चल रहा था, ठीक है. तो दो टाइप की राइमिंग स्कीम्स हमने इस पोम में पढ़ी, एंड दिस पोम फाइनली केम टू एन एंड, राइट. तालियां 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 हो जाए, बहुत ही मज़ेदार तरीके से हमने इस पोम को किया है फिनिश फिनिश फिनिश, ठीक है. तो ऐसे ही करके वो भगा देता है, भाई जाओ तुम गाना ही गाओ अब, राइट. अब बेटा फोर मार्क का क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में कि यार समरी बता दो, व्हाट डिड यू रियली अंडरस्टैंड बाय द एंट एंड द क्रिकेट पोम, ठीक है. तो आप समरी में क्या क्या बताओगे, आपको पूरा उसको क्यूरेट करना है, पूरा अच्छे से उसको सिमेंटिसिटी आपको पूरी पोम की बना के रखनी है, तो पैराग्राफ टू पैराग्राफ आपने एक्सप्लेन करना है, ठीक है. तो स्टार्टिंग से हम देख लेते हैं, पहले हम बताएंगे इसका इंट्रोडक्शन. द पोम एंट एंड द क्रिकेट इज अ फेबल स्टोरी, ठीक है, ये इमेजिनरी स्टोरी है जो कि हमारे पोएटिक फॉर्मेट में लिखी गई है एसॉप के थ्रू.
सो इट इज इट इज अबाउट अ सिली यंग क्रिकेट, बहुत ही बुद्धू सा यंग सा क्रिकेट है और माइजर एंट है उसके बारे में है. द क्रिकेट यूज टू सिंग ऑल डे लॉन्ग, फिर उसके बाद जब उसकी टाइम की बात आई तो बस विंटर सीजन में उल्टा पड़ गया. तो यहाँ तक लिखोगे, उसके बाद की समरी आप लोग लिख कर लेकर आओगे एंड देन यू विल लेट मी नो. ठीक है, तो यहाँ पे इसके क्वेश्चन आंसर्स भी हैं, उसको भी हम करेंगे मिलके सॉल्व. मीनवाइल बेटा आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है. बिफोर दैट लेट मी जस्ट इंट्रोड्यूस यू टू अ वेरी स्पेशल एंड अ वेरी इंटरेस्टिंग फीचर विच इज़ नोन बाय आस्क अ डाउट. ठीक है, अन अकेडमी पे हमारा बहुत ही प्यारा सा एक्सक्लूसिव फीचर है आस्क अ डाउट. थ्रू दिस आप लोग क्या क्या लाभ उठा सकते हो, क्या क्या चीज़ों से बेनिफिटेड हो सकते हो, आई मस्ट वॉक यू थ्रू दिस. ठीक है बेटा, आस्क अ डाउट में यू कैन आस्क अनलिमिटेड डाउट्स. आप किसी भी टाइम पे अपने डाउट्स पूछ सकते हो, आपको हाई क्वालिटी वीडियो सॉल्यूशंस मिलेंगे, बीट इन इंग्लिश बीट इन हिंदी, हाउएवर वे यू वांट टू बी अंडरस्टूड विद. ठीक है, आपको एग्जैक्ट मैचेस ऑफ क्वेश्चन मिलेंगे, यानी कि जैसे भी आप डाउट पूछोगे उसी टाइप के ही आपको वीडियो सॉल्यूशंस मिलेंगे. आपको अगर पाना है इंस्टेंट और एक्यूरेट सॉल्यूशन जिसमें आपको लैक्स ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने का मौका मिल सकता है, तो आपको अगर असिस्टेंस चाहिए, आपकी घर से होमवर्क में काम चाहिए, तो आप इस फीचर का बहुत ही अच्छे से बेनिफिट उठा सकते हो. नाउ हाउ टू आस्क अ डाउट, बेसिकली आपको जाना है अन अकेडमी ऐप पे, क्लिक ऑन आस्क अ डाउट, उसके बाद आपको पिक्चर लेनी है उसकी, उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है पूरा वो क्वेश्चन का एरिया, उसको क्रॉप करोगे हाईलाइट करोगे जस्ट सो द क्वेश्चन कुड लुक मोर लाइक ईजिली एक्सेसिबल, अच्छे से विजिबल हो, क्लियर हो. उसके बाद आपको सब्जेक्ट को उसमें रखना है, कैटेगराइज करना है. सिंपल है कि जिस भी सब्जेक्ट का वो डाउट है उस सब्जेक्ट में आपको उसको कैटेगराइज करके डाल देना है. उसके बाद आराम से बैठ जाना है, हैंग टाइट एंड यू विल बी प्रोवाइडेड विद द ईजीएस्ट एंड हाई क्वालिटी वीडियो सॉल्यूशंस. राइट, अब बेटा कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, डूज एंड डोंट्स है, क्या चीज़ें ध्यान में रखें वाइल आस्किंग अ डाउट एंड क्या चीज़ें आपने नहीं करनी है. ठीक है, सो व्हाट आर दीज थिंग्स, ट्राई करना कि यार हैंड रिटन डाउट्स ना हो, प्रिंटेड डाउट्स ही हों ताकि हमारे सिस्टम को समझने में आसानी हो. राइट, उसके बाद आपको डाउट पूछने के लिए जी भर का टाइम है, दिन भर का टाइम है, लाइक यू कैन आस्क योर डाउट फ्रॉम एनी नूक एंड कॉर्नर ऑफ दिस वर्ल्ड. ठीक है, तो आपको ना ऐसे सिस्टम को क्लटर नहीं करना है, ऐसे पाइल ऑन नहीं करना डाउट से, तो वन डाउट एट अ टाइम यू शुड आस्क, यू मस्ट आस्क. तो आप एक डाउट अगर एक टाइम पे पूछोगे, अगर मान लो एक क्वेश्चन है उसके बहुत सारे पार्ट्स हैं, तो उस पार्ट को ही क्रॉप करके डालो, वरना ज़रूरी नहीं है कि वो पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको उस हमारे डाउट के सॉल्यूशन में मिलेगा. तो आपको एक बारी में एक ही डाउट पूछना है. राइट, तो इस चीज़ का ध्यान में रखना स्पेशल. उसके बाद बेटा अन अकेडमी कॉम्बैट स्कॉलरशिप, एज यू ऑलरेडी नो, जिसमें आप स्कॉलरशिप 1 करोड़ तक की जीत सकते हो. 6 to 8 के जितने भी बच्चे हैं, 12 PM पे हर संडे को होता है, इस बार 18 जुलाई है, तो अपने आपको फटाफट से इनरोल करो ना. ठीक है, सो दैट यू कैन विन अ स्कॉलरशिप ऑफ 1 crore rupees विच इज़ अ ह्यूज अमाउंट एंड यू कैन ईजिली फंड योर अकेडमिक्स, है ना, अच्छे से. तो एंड्रॉयड फ्री टेस्ट है, एंड्रॉयड ऐप पे ही काम करेगा, जस्ट बी रेडी विद योर टेस्ट. राइट, अब बेटा एक और चीज़ है, लेट मी जस्ट वॉक यू थ्रू अराउंड दिस अन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन फीचर्स. हमारे पास अन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन में हम लाइव क्लासेस जो हैं अपने कंफर्ट जोन से घर पे लेते हैं, हमारे पास अनलिमिटेड एक्सेस होता है सारे कोर्सेज का. अगर आपको लगता है कि यार आपको कुछ और कोर्सेज चाहिए जिसको आपको अनलॉक करना है, तो आप जो है इस अन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन फीचर्स पे में एनरोल हो सकते हो, जिसमें आपको इंडिया के सारे टॉप एजुकेटर्स एक ही अम्ब्रेला के नीचे मिल रहे हैं, आपकी रेगुलर क्लासेस हो रही है, डाउट क्लियरिंग सेशंस हो रहे हैं, आपका जो इस सिलेबस का एग्जॉस्टिव कवरेज है उससे भी आपको छुटकारा मिल रहा है, आपका मेंटोरशिप और गाइडेंस मिल रही है, आपका स्टडी मटेरियल PDF फॉर्म में है, तो टेंशन काहे लेने का, है ना. प्रैक्टिस टेस्ट्स आपको मिल रहे हैं, उसके बाद लाइव टेस्ट सीरीज हो रही है, बैच कोर्सेज में आपको पूरा डिवाइड करके अच्छे से पढ़ाया जा रहा है. अब अगर इफ़ यू रियली वॉन्ट टू गेट बेनिफिटेड ऑफ द प्लस सब्सक्रिप्शन, आपकी प्राइसिंग है, हाउएवर वे योर पॉकेट अलाउज अस टू फंड योर अकेडमिक्स, देयर इज़ नो प्रेशर फ्रॉम आर साइड. आप उस तरीके से अपने आप को मैनेज कर सकते हो, क्योंकि हमारे टाइम पे तो यार इसमें से किसी भी हिसाब से फीस स्ट्रक्चर नहीं होती थी, इससे तो मतलब 10x ज़्यादा ही होता था हमेशा, कोचिंग वगैरह के जब चक्कर लगते थे. तो 24 मंथ्स 18 मंथ्स 15 मंथ्स 12 मंथ्स 6 मंथ्स आपके इनिशियल बेसिस पे भी आप कोई भी
अगर आप इफ़ यू अप्लाई दिस कोड निधि 01 NIDHI 01, यू कैन ईजिली अवेल अ फ्लैट 10% ऑफ थ्रू एनी ऑफ द प्लान्स दैट यू मे चूज इन द नियर फ्यूचर. तो आपको करना है ये, अगर आप करोगे तो आप फायदे में रहोगे. ठीक है, अब बेटा अन अकेडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन इज ऑल्सो वन फीचर ऑन अन अकेडमी जिसमें आपको वन ऑन वन मेंटोरशिप मिलती है. फॉर एग्जाम्पल, इफ देर आर सम स्टूडेंट्स, देर कैन बी एनी वन ऑफ यू हु इज़ नॉट कम्फर्टेबल इन स्टडिंग विद एवरीबडी इन ग्रुप स्टडी. ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, वन ऑन वन मेंटोरशिप के लिए जा सकते हो जिसमें आपके लाइव डाउट सॉल्विंग होगी. टीचर का सिर्फ आप पे ही फोकस होगा. इसमें आपकी वीकली रिपोर्ट आपको दी जाएगी, पेरेंट टीचर मीटिंग की तरह पूरी काउंसलिंग की जाएगी, एनालिसिस होगा, आपका स्टडी प्लानर बनाया जाएगा, सारे बेनिफिट्स जो आपको प्लस में मिलते हैं इसमें भी मिलेंगे आपका आइकॉनिक में. सो हियर इज योर टेक, हियर इज योर बेट इन प्रैक्टिसिंग एंड गेटिंग थ्रू ऑल दी अकेडमिक रिजल्ट्स थ्रू दिस आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जिसमें आपके ये पैक्स दिए गए हैं, प्लान्स हैं, अकॉर्डिंगली आप डिसाइड कर लेना. अगेन, निधि 01 लगाओगे तो बस फिर फ़ायदा ही फ़ायदा पाओगे. आप जितने ज़्यादा बेनिफिट्स, जितने ज़्यादा डिस्काउंट ऑफर्स ले सकते हो अपनी स्टडी को मनी वाइज सेव करने के लिए, यू शुड नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्नड. दैट इज़ व्हाट आई बिलीव एंड दैट इज़ व्हाट आई सजेस्ट. ठीक है, अब बेटा इनके ना आइकॉनिक और प्लस सब्सक्रिप्शन इनकी वैलिडिटी होती है कुछ ना कुछ, तो 18 जुलाई तक ही वैलिड है CBSE के बच्चों के लिए. तो फ्री CBSE सब्सक्रिप्शन है 2 महीने की, 4 महीने की, 6 महीने की, आप किसी भी तरीके से इसको अवेल कर सकते हो. क्रिएटिव कॉर्नर सब्सक्रिप्शन भी है, तो अकॉर्डिंगली यू कैन डिसाइड और पर मंथ के हिसाब से भी आप कर सकते हो. ठीक है, तो सो देयर इज नो प्रेशर फ्रॉम आवर साइड. एनीवन कैन सब्सक्राइब, कैन बी अ सब्सक्राइबर ऑफ अन अकेडमी प्लस. आप चाहे उसको पार्ट्स में पे करो, चाहे जीरो कॉस्ट EMI पे पे करो, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू एंड योर पेरेंट्स पॉकेट. ओके, तो आपको अभी के अभी अन अकेडमी ऐप डाउनलोड करना है और अवेल करना है, इन सारे फीचर्स से वाकिफ होना है. गूगल प्ले पे भी आपको ये मिल सकता है और ऐप स्टोर पे भी मिल जाएगा. आपको सारे फीचर्स को फ्री में आपको अगर ट्राई करना है तो भी आप निधि 01 लगाओ एंड जस्ट गेट बेनिफिटेड बाय ऑल दीज ऑफर्स. ओके, सो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे. वी हैव लर्नड अ लॉट. ये वन शॉट रिविजन जो था द एंट एंड द क्रिकेट के बारे में, ये हमने बहुत बढ़िया तरीके से किया, बहुत अच्छे तरीके से किया. थैंक यू सो मच एवरी वन फॉर लिसनिंग इट आउट एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. ओके, एंड देन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद अनदर वन शॉट रिविजन. बाय बाय, टेक केयर.